एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको रेनॉल्ट काइगर के हॉर्न प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, जो कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ। ऑटोमेटिक चलती गाड़ी में उसका हॉर्न बंद हो गया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हमने सॉल्व किया, उसके बारे में आपको फुल डिटेल बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हुए मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या हुआ था। तो दोस्तों इसमें चलती गाड़ी में हॉर्न ऑटोमेटिकली बंद हो गया था, तो हम उसको मैकेनिक के पास लेके गए, जो कि हम शोरूम में नहीं ले जा सकते थे क्योंकि हम हाईवे पर थे, इसलिए हमको एक लोकल मैकेनिक के पास जाना पड़ा। तो दोस्तों उस ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा कि लोकल मैकेनिक को अभी तक उसका फ्यूज़ लोकेशन मालूम नहीं, उसका प्रॉब्लम मालूम नहीं। तो हमको फर्स्ट उसका फ्यूज़ ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद हमको तो फाइनली दोस्तों ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे इसके फ्यूज़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो हमारे मैकेनिक ने उसको चेंज किया, उसको चेक किया पहले उसको, तो उसको लगा उसका 10 एम्पियर का जो फ्यूज़ है, छोटा सा फ्यूज़ आता है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो उसको लगा वो गया होगा। लेकिन हमने उसको रिप्लेस करने के बाद भी हॉर्न अपना चालू नहीं हो रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का आपको रिले दिख रहा है, ये इसका रिले है जो कि इसको मेन सप्लाई देता है हॉर्न को। तो दोस्तों ये चला गया था जैसे हम उसको एक नया रिले लेकर आए, और जैसे हमने नया रिले लेकर आए और वो तुरंत हमारा हॉर्न चालू हो गया। तो आपको अगर आपको कोई गुमराह करे, तो दोस्तों आप गुमराह ना हुई, आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ होती है। और मैं आपको रिले भी दिखाता हूँ किस तरह से रिले है वो। तो कुछ इस तरह से रिले आप देख सकते हैं, इसका 12 एम्पियर 12 वोल्ट 20 एम्पियर का ये रिले है। ये कुछ इस तरह से ये उसका बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपका, यूनोमिंडा का इसका बॉक्स है, और इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ 150 रुपीज़ का है। ये 150 रुपीज़ का बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 140 रुपीज़ का है दोस्तों। और मैकेनिक ने हमारे बैठाने का चार्ज 50 रुपीज़ ले लिया। अगर आपको भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है और मैकेनिक को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको झट से बता सकते हैं कि आप इसका रिले चेक कीजिए या 10 एम्पियर का फ्यूज़ चेक कीजिए, टेस्टिंग लैंप से आपको तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ज़्यादा अगर आपको कोई कीमत बता रहा है तो दोस्तों आप मत कीजिए, आप घर पर भी इसको चेंज कर सकते हैं, वो भी आप 150 रुपये में ही कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छे मैकेनिक के पास चले जाएँगे तो आपको 200-300 रुपये चार्ज करेगा। तो दोस्तों ऐसा ना करते हुए आप इसको घर पर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बता दीजिए, और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि आपको मैं नई वीडियो दे सकूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।